सो येगा शुरू होने वाला एक नया जर्नी और एक नया सफर, बने रहिए हमारे साथ। अभी डायरेक्टली आ चुके हम ट्रेन में। अभी हमें ट्रेन में देखिए, यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर राजदीप बैठा हुआ है और ट्रेन पूरा चुप चुप करके चल रहा है। यहाँ पर देखिए दो लड़का बैठा हुआ है, नीचे मेरा लड़का है। अभी तो आपको मिलते हैं इसके स्टेशन में। अभी दुनिया में कितने टाइप का जुआरी होता है, किसी लोग के पैसों से जुआ करते हैं, हमने खेल रहे इससे जुआ। और यहाँ पर देखिए एक बंदा ऊपर क्या कर रहा है, देखिए ये ऊपर क्या कर रहा है, YouTube चैनल। तो देखिए अभी हम ट्रेन में उठे, जस्ट 10 या 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा होगा। और ये भुक्कर लोग देखिए क्या कर रहे हैं, 10-15 मिनट होगा ज्यादा से ज्यादा। और ये भुक्कर लोग बज रहे हैं रात के 9:30। अभी हम ट्रेन में देखिए यहाँ पर खेल चल रहा है। और मेरा हालत अभी ऐसा हुआ है, कितना सारा पैसा था, अभी देखिए पैसा ही नहीं है, 50 रुपए 100 रुपए कुछ मेरे पास। अंकित के पास देखिए भाई, अंकित के पास कितना ज्यादा पैसा है भाई। अच्छा इनके पास और भी ज्यादा पैसा है, पैसा का बार है यहाँ पर। तो गाइस अभी बज रहे रात के 12 और अभी इन लोगों का सिचुएशन देखिए। अभी ये खा रहा है, ये गाना सुन रहा है, यहाँ पर बैठा हुआ है। कल सुबह 8 बजे जाके हम लोग पहुँचेंगे गुवाहाटी, तो बने रहिए भाई। अभी हम सभी लोग सो जाते हैं, कल मिलते हैं। देखते देखते सोते सोते कैसे सुबह हो गया पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर आप लोग कुछ व्यू देख सकते हैं जो सुबह के टाइम हम लोगों ने कैप्चर किया था भाई, कितना अच्छा व्यू। बट क्या बोलो, इसलिए बोलते हैं आसाम देश का चाय की बगान एक सॉन्ग है मस्त। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अभी गुवाहाटी स्टेशन में, देखिए अभी हम निकल चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा अभी जो टूर है ना वो शुरू हो चुका है। अभी जस्ट वीडियो में बने रही है, देखते हैं क्या क्या होता है हमारे साथ और क्या क्या चलता है गुवाहाटी का। ये पूरा है गुवाहाटी का सीरीज शुरू होने वाला है अभी। देखिए ये गुवाहाटी का स्टेशन और अभी हम लोग निकल रहे हैं इधर से। तो यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्टली बस मिल गया है कामाख्या टेम्पल जाने का। सभी लोग हम अभी बस के अंदर उठ गए हैं और अंकित देखिए यहाँ पर क्या स्टाइल मार रहा है भाई, वाह 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 वाह। अभी हम आ चुके हैं कामाख्या टेम्पल के गेट के पास, आपके सामने कामाख्या टेम्पल का गेट। और इधर से ऊपर जाना पड़ेगा, जाने के लिए आप लोग को बस भी मिल जाएगा और कार भी मिल जाएगा। अभी ऊपर जाएंगे हम लोग और यह कामाख्या का जो टेम्पल का गेट हमारे सामने है, चलिए बस में उठते हैं। उसके बाद आप लोग बस में आ चुके हैं, हमारी इलेक्ट्रिक बस है, खराब कुछ इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक बस का फर्स्ट टाइम ट्रेवल होने वाला है। तो यहाँ पर अलग अलग बैठे हैं। अभी हम आ चुके हैं और अभी हम ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे, हमारा जो बैग वगैरह है वो रखेंगे, रखने के बाद हम जाएंगे मंदिर में पूजा के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी चलते हैं ऊपर और चलते चलते क्या होता है देखते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं कामाख्या टेम्पल के एकदम पास में, तो ऊपर जा रहे हैं। अभी ऊपर उठना पड़ता है, इधर से भी आप चाहिए तो इधर से आप लोग पूजा का जो सामग्री है ना वो ख़रीद सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा ऊपर से ख़रीदिए तो फिर वो पास में हो जाएगा। अगर आपके पास बैग वगैरह भी है ना थोड़ा ऊपर चले जाइए, ऊपर कुछ ही एक अच्छे से दुकान देख के वहाँ पर बैग और प्रसाद का जो सामग्री है ना वो ख़रीद लीजिए तो अच्छा होता है, क्योंकि नहीं तो बहुत ही जर्निंग ज़्यादा हो जाता है पहले। गाइस अभी हम बैग वगैरह जो है ना वहाँ पर रख दिए है और अभी जाने हैं नहाने के लिए। देखिए पूरा यहाँ पर सेटअप, नहाने का सेटअप है पूरा हमारे पास, वह नहाएंगे और दबा के दम दम करके चला जाएंगे। यहाँ पर माता का मंदिर है भाई, नहाना पड़ता है पहले। गाइस ये लोग अभी स्नान करेंगे, फुल रेडी हो रहा है। सो गाइस अभी हम नहाने के लिए डायरेक्टली आ चुके हैं कामाख्या मंदिर के एक तालाब में। यहाँ पर हम लोग पहले शुद्ध शांति होंगे, उसके बाद जाएंगे पूजा करने के लिए, मतलब पूजा देने के लिए। यहाँ पर मैं पहले नहाने के लिए उतर गया हूँ, आप देख सकते हैं। और हमारे नहाने बहाने के बाद डायरेक्टली हम प्रसाद लेके चले हैं भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए, ये कामाख्या माँ का मंदिर। और अभी हम लोग आ चुके हैं लाइन में, लाइन में खड़े हो गए तो अब वीडियो वीडियो बना के देखिए कितना बड़ा लाइन है भाई। चलो जय माँ कामाख्या की जय।
तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर प्रदीप और अगरबत्ती जलाने के लिए। अंदर जो है ना मोबाइल अलाउ नहीं था, तो जिस वजह से डायरेक्ट वीडियो यहाँ पर आ गया है। तो अभी देखिए भाई, सो गाइस पूजा वगैरह अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग अपना जो बैग वगैरह है ना उस सभी लेके अभी होटल ढूंढने के लिए जा रहे हैं। होटल ढूंढेंगे उसके बाद आपको। तो गाइस अभी आ चुके हैं पेट पूजा करने के लिए। पूजा के बाद और का अभी हमारा पेट पूजा। तो चलिए हमारा खाना आ चुका है और अभी खाएंगे और उसके बाद जाएंगे होटल ढूंढने के लिए। सो चलते हैं अभी नीचे। नीचे जाएंगे पल्टन बाज़ार जाएंगे, उसके बाद होटल ढूंढना पड़ेगा भाई, बहुत ही काम है। अभी हम डायरेक्टली कार में आ चुके हैं। अगेन हम लोग नीचे आ चुके हैं इधर, और एक एक का चेहरे का हालत देखिए अभी क्या ऐसा हालत हो चुका है। अभी दोबारा से बस पकड़ना पड़ेगा और जाएंगे हम पल्टन बाज़ार। पल्टन बाज़ार जाने के बाद हमारा आएगा रूम का सीन, रूम बुक करना पड़ेगा उधर। हमारे पीछे देखिए आप देख सकते हैं कमाख्या मंदिर का जो गेट है ना, वो गेट दिख पा रहे हैं आप लोग। और अंकित देखिए रो रहा है उसको अपनी बीबी का। सो गाइस फाइनली अभी हम हैं पल्टन बाज़ार में और अभी हम सर्च कर रहे हैं होटल के लिए। चारों तरफ देखिए भाई बहुत ही शानदार सीन है यहाँ पर। हमारा जो त्रिपुरा में जो है ना उससे भी दो तीन डबल बोल सकते हैं यहाँ पर का जो प्रॉपर्टी है और जो जनरेशन का है सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और रोड बहुत ही क्लीन है। हम लोगों को अभी रूम मिल गया है। सो यहाँ पर देखिए गाइस हम लोगों को रूम मिल गया है। अभी मस्त एक रूम मिला है। अभी हम लोगों को रूम मिल गया है अपने बजट में, अच्छा खासा रूम है। ये देखो ये लेटा हुआ है, सभी भाई लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं और आप लोगों को थोड़ा सा एक रूम का टूर दे रहा हूँ। ये भाई ये सभी साइट में जो चीजें इसको इग्नोर करना है। यहाँ पर देखो एक बेड मिलता है, डबल बेड मिलता है, इधर भी डबल बेड मिलता है। यहाँ पर बैग रखने की एक जगह है, यहाँ पर एक मिरर है देखिए भाई, और यहाँ पर एक ड्रॉयर भी है। ड्रॉयर में आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, एक पेन तो दे सकता था भाई। और यहाँ पर देखिए भाई एक अच्छा वगैरह मत देखो। और यहाँ पर देखो भाई अच्छा एक मिरर दिया है, यहाँ पर हमारा जो सामान वगैरह सूख रहा है। इतना अच्छा कुछ नहीं है भाई, मतलब बजट फ्रेंडली जो है। ओ भाई एक पिलो मिल गया यहाँ पर, देखो पिलो है यहाँ पर, एक अच्छा चीज़ है पिलो मिल गया। और एक बात सबसे बड़ा बात, यहाँ पर एक टीवी है आप देख सकते हैं, बट टीवी नहीं चलता, मतलब क्या करें हम इस टीवी से। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो टीवी है ना यहाँ पर टीवी चलता ही नहीं, हम टीवी से क्या करेंगे। तो अभी सब लोग थोड़ा ज़्यादा सो जाएंगे क्योंकि शाम को थोड़ा निकलेंगे सभी लोग घूमने के लिए। गुवाहाटी आए हैं भाई, घूमना तो पड़ेगा ना। तो रूम का जो है ना बजट में ठीक ठाक है, बट थोड़ा अगर कुछ फीस मिलता अच्छा होता। टीवी तो एक स्टार दूंगा। ये बोल रहा है फाइव स्टार से मैं एक स्टार देगा, एटलीस्ट टीवी तो चलता ना भाई। टीवी भी नहीं चलता है तो क्या बोलूँ आप बोलिए। तो चलिए देखते देखते और क्या क्या होता है। अभी बहुत सारा रूम देखा था बट अपने बजट में यही आया था कि भाई अपना भाई तो इतना बड़ा ब्लॉगर नहीं है जो 2-3 हज़ार में रूम ले ले। कयान बोलेगा चलो सभी लोग अभी सो जाएंगे, रात सो जाए फिर जाएंगे, उसके बाद शाम को मिलता है और देखते हैं क्या है। गया था गाइस नहीं मिला। चलो भाई लोग मिलते हैं, चलो भाई शाम को।